Satish Agarwal ji, who is the main director, Agarwal Package and Movers, Logistics and Planning, will tell about this. And as you heard that he is an expert in packet and moving, so I think he will give his idea on this subject. Thank you very much. तो एक बार जोर से जय हिंद बोल दे क्योंकि काफी नींद के लिए जय हिंद जय हिंद और जय हिंद बोलना ये भी जरूरी था कि शायद सबको मालूम होगा कि 14 सितंबर इज जय हिंद डे. हालांकि भारत में अब तक इसको डिक्लेयर नहीं किया बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाती है कि 14 सितंबर को श्री सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में पहली बार जय हिंद बोला था. तो एक बार जय हिंद जय हिंद भाग्य की तरफ सबसे कम सर आपने हिंदी दिवस भी मना दिया 13 सितंबर है जी 13 सितंबर है हिंदी दिवस आपने हिंदी दिवस कुछ भी नहीं बड़ी मुश्किल चढ़ने की. यदि हम हर जगह सिटी में इस तरह की रैंप बना दे कहीं भी दीवार के ऊपर एक थोड़ा सा शेल्टर बना दे कहीं भी बैठने के लिए कोई भी आदमी पैसा देगा घर से बनाएगा कहते ना हिंग लगेगा टिटकड़ी दम चौखा और गवर्नमेंट को पैसा भी आएगा एड के नाम पर बनाकर भी देगा हर जगह व्यवस्था बन जाएगी. बट थिंक स्मार्ट सिटी मैं बताता हूँ मेरे उसके अंदर लॉजिस्टिक क्योंकि मेरा ये की एरिया है लॉजिस्टिक का. मैं एक बार वहाँ कहीं एक शहर में था यूएसए में तो वहां पर देखा बड़ा अजीब एकदम गाड़ी आती है सिंगल आदमी होता है उसके अंदर और एक मालिक क्योंकि जब तक जितनी भी जो आपकी दुकानें हैं जितना भी बाजार है उसमें अल्टीमेटली तो कहीं से तो माल आएगा माल कौन लाएगी गुड्स व्हीकल आएगी 99% गुड्स व्हीकल के लिए दिल्ली के अंदर ग्रांड प्लेस और सब नोएडा एरिया है. तो दिन में तो व्यापारी क्या करते हैं सामान बेचते हैं रात को बेचारे जलते हैं सामान लेने के लिए तो उनकी डे नाइट की डबल शिफ्ट में काम करते हैं. दिन में सामान बेचते हैं रात को सामान की डिलीवरी लेते हैं ताकि दिन में बेचे. तो ऐसा क्यों वहां पर ऐसा नहीं है वहां पर माल भी आता रहता है सामान भी बिकता रहता है. 100 फीट के ऊपर एक एक स्पॉट बनाकर रखा हुआ है वैन आती है वहां खड़ी होती है वैन के जो डोर से खुलने तक और वो जो रैंप है अकेला आदमी सामान उतारता है ट्रोली में रखता है जस्ट कैरीज टू रैंप और दुकान में डिलीवरी किया पहुंच लिया वापस आगे चल दिया. हर 100 फीट के ऊपर एक छोटा सा मार्किंग होती है बेमार्किंग है गाड़ी पार्क होती है और वहां पर हर जगह एक रैंप का कट बना हुआ है. तो इस तरह से लॉजिस्टिक के ऊपर विशेष ध्यान दिया तो ये लॉजिस्टिक का बड़ा काम बहुत आसान हो जाएगा. नहीं तो बाद में फिर तोड़फोड़ होगी फिर रोड कहते ना एक हमेशा हम कहते रहते कि पहले तो ठेका तो बनाने का फिर तोड़ने का फिर बनाने का तो वो खर्चा बच जाएगा. एक चीज नहीं है जो मैंने महसूस किया आई वॉज देयर इन डेनवर छोटा सा शहर है बहुत ब्यूटीफुल शहर बड़े तरीके से बनाया. उस शहर में जाने के बाद मेरे को एक रिन्यूअल एक स्टोरेज देखने को मिला. तो वहां जब मैं गया तो वहां पर 18,000 सामान उसके अंदर स्टोर किए हुए रखे थे. मैं बोला यार यार बोरों के ऊपर तो सामान उसमें होता नहीं सामान छोड़ दिया भागे गड़े की तरह होते हैं ये क्योंकि सामान सारा जब कहाँ से क्या स्टोरेज है. तो मालूम हुआ कि किसी का तो फोर फादर का सोफा था किसी का पैनो था किसी की वो व्हील चेयर थी किसी का थोड़ा सा खुलिया था किसी का डबल बेड था. 18,000 वहां पर स्टोरेज थे क्योंकि जब कोई आदमी चला जाता है उसके बाद उसके सामान की बड़ी वैल्यू होती है. अरे ऐसा चश्मा तब भी किसी का दादा का फोर फादर का मिलेगा तो वी फील अरे मेरे दादा का था. तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना सामान घर में नहीं रखते एक स्टोरेज होते हैं जिसको मैंने नाम दिया मेमोरी बैंक. यानी कि हर शहर के अंदर वहां पर शहर से करीबन दूर एक मेमोरी बैंक होता है बुजुर्गों की जो चीजें रह जाती है. तो घर तो छोटा होता है दादा का परदादा का फिर माँ का मम्मी का रखते रहते घर भर जाएगा. तो उन्होंने क्या किया कि अपना स्टोरेज टाइप के फैसिलिटी बना दी इसमें हर लोग जाकर वहां रखते हैं और रखने के बाद जब भी उसको मन में आता है जाकर देखे आता है ले आता है वापिस छोड़ आता है घर को नहीं भरता क्योंकि एक बेडरूम दो बेडरूम का मकान होगा तो वही भर देंगे तो हम रहेंगे कहां से. तो मैंने वो फैसिलिटी को रेप्लीकेट किया यहाँ दिल्ली में आके. तो मेरे पास इस टाइम पर करीबन आई थिंक 11 महीने 12 महीने हुए 1200 स्टोरेज आ गए 1200 स्टोरेज आ गए
और भी आवाज दे दे कि अपना घर बंद करो, घर रहने के लिए करो, एक रूम का किराया आपका कम से कम 10,000 होता है, 400-500 रुपए के अंदर स्टोरेज हो जाएगा पूरा, व्हाई डोंट यू गिव टू मी नाउ स्टोरेज। तो अब वो लोगों में एक क्रांति सी आ रही है, स्टोरेज का सामान मेरे पास इकट्ठा हो रहा है। तो यानी कि ये अभी हम सिटी में जब बनाए, जो आप नई सिटी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, 5 किलोमीटर बाएं 5 किलोमीटर दाएं, ये पहले ही स्टोरेज की फैसिलिटी बना दी, वो सस्ता पड़ेगा। कि मेरे को तो गुड़गांव लेके जाना पड़ता है, महंगा पड़ता है जाना, वो 5-5 किलोमीटर साइड में स्टोरेज, जिसको हम अपने भाषा में मैं कहता हूँ मेमोरी पैक, बड़ों की यादें बहुत जरूरी है। तो वो एक चीज है करने की जरूरत है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि ये सही जरूरत है। काफी जब हम बात करते हैं सिटीज की और किसी भी चीज को चेंज करने की, बड़े चैलेंज आते हैं। हमारा सबसे पहले रेजिस्टेंस, दूसरा हमारा जो एक्ट जो पुराने बने हुए हैं जब मोहती साहब ने बदलाए, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल बहुत मुश्किल है, लैक ऑफ स्ट्रीट एंड नो फीलिंग ऑफ, क्योंकि मेरे लिए करो, हर आदमी क्या होता है कि जब रैंप टूटते हैं मेरा रैंप टूटा है, तो स्मार्ट सिटी की स्मार्ट गली की स्ट्रीट की बात होती है और मेरा रैंप क्यों तोड़ रहे हो। अल्टीमेटली हमको एक लार्ज एक ब्रॉडर वे से सोचना पड़ेगा कि नहीं, ये सारी फैसिलिटी अल्टीमेटली हमारे लिए है। तो इस तरह के चैलेंज जो आते हैं वो बड़ी दिक्कत करते हैं, जो हमारे को अपने आप में आगे बढ़कर हम एवरीवन इशू और सॉल्यूशन भी है इसके लिए, जो मैंने मेरे थॉट प्रोसेस से बनाए हैं, चेंजिंग थॉट प्रोसेस, बूस्टिंग स्पीड ऑफ नेशनलिज्म, प्रोग्रेसिव अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट, ईयरली अपडेटिंग ऑफ लॉज, हर बार जैसा समय होता है वो लॉ को चेंज करना पड़ेगा। हमारा ट्रांसपोर्टर का एक्ट, कैरी एक्ट जो है रोड बाय रोड, वो 1865 का बना था, उस टाइम पर हिंदुस्तान के अंदर मोटर भी नहीं थी, इंजन भी नहीं चला था, पर एक्ट 1865 का वो आज तक झेल रहे हैं। जो झगड़ा होता था घोड़ा गाड़ी, उसको कैसे सामान लिया जाए, कैसे वो सामान गिरा देगा, तो उसको कितने कोड़े मारे जाए, वो एक्ट आज हम झेल रहे हैं। बट चेंज नहीं हो रहा, इच्छा शक्ति चाहिए, अब उसकी भी चेंज की जरूरत है। सोशल कॉजेस, अपर जैन इंडिविजुअल कॉज, जो मैंने पहले ही किया, तो इस तरह की चीजें थी। और मैं आप सीएसआर के इस मंच को मैं धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद क्या, मैं इसको बधाई दूंगा कि सारी चीजें यदि कैप्चर करें सभी की, और कैप्चर करके एक ऐसा पेपर बने, तो ये जितना भी थिंक टैंक आज हमने कहा, लोगों ने कहा, सबने कहा, सेकंड सेक्शन में एक अपने आप में बहुत बड़ा, कहते ना कि वो बन जाएगा जो आगे थॉट प्रोसेस के अंदर बड़ा लाभ होगा। और मैं एक छोटी सी चीज यहाँ मंच है तो मैं कहूँगा कि मैं जिस इंडस्ट्री से आता हूँ उसका सबसे ठीक है, कहते हैं ना वो इस इंडस्ट्री की प्रोग्रेस का सबसे रथ का तो सिपाही है, क्योंकि अर्जुन के रथ का जैसे कृष्ण भगवान था वो हमारा ड्राइवर है, और हम सब लोग ट्रक ड्राइवर को एक हीनता से देखते हैं। तो मैं आप क्योंकि और हीनता से देखते देखते ऐसा हो गया कि आज हिंदुस्तान के अंदर कभी 1300 ड्राइवर होते थे 1000 गाड़ी पर, और ये कम होते होते अब 750 ड्राइवर हो गए 1000 गाड़ी पर, और ये संख्या और कम होती जाती है। और कम होने के बाद ऐसा होगा कि हमारी सरफेस पे जो ट्रांसपोर्ट चलती है, इकोनॉमी रुपया चल रहा है, वो कभी ना कभी बंद ना हो जाए 2040 तक, क्योंकि ड्राइवर बनना कोई पसंद नहीं करता, तो क्योंकि उनको हीनता से देखते हैं। तो अब हम आज से ये थोड़ा सा प्रण ले कि उनको हीनता से ना देखे, बिकॉज वो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मोस्ट नेगेटिव है। आज जब हमारी सुबह आंखें खुलती है 6 बजे, यानी कि एक अखबार से एक कप चाय से, तो वो सिपाही वो ड्राइवर अपनी 12 बजे नींद हराम करता है ताकि मैं मेरे देशवासियों को 6 बजे जगा दूं। वो आपको जगाने वाला है, पर उसके साथ हम व्यवहार कैसा करते हैं। तो आज जब रोड के ऊपर ट्रक ड्राइवर चले, तो आप सब लोग